हे गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज़, बहुत समय बाद मैं फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। बिजी तो क्या मतलब, खैर आप लोगों को लगेगा कुछ काम तो करता नहीं, पर फिर भी पर हो जाता है थोड़ा। और मेरा हेयर कट मैंने बहुत छोटे छोटे बाल करा लिए, तो कमेंट करके बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। क्योंकि जब मैं मसूरी गया था ना घूमने, तो वहाँ पर मेरे से ना मतलब संभाले नहीं जा रहे थे, मैं हेलमेट वगैरह लगा रहा था, तो मेरे से बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो खैर चलो ठीक है, आज की वीडियो में मैं दिखा रहा था कि ना, मैं अपनी गाड़ी का जो है ये एम्ब्लेम, ये पीछे का है और ये आगे का है। देखो, ओ भाई हाथ से गिर जाता अभी, ये देखो। ठीक है, तो इसको क्या है ना, मैं JDM लुक देने वाला हूँ, जो रेड से होते हैं ना। अब मार्केट में मिलते हैं 3,500-4,500 कितने के भी। अब वो बस ऑर्डर कर लो, पर ये है कि मतलब हम खुद से भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अपना खुद से एक DIY करने की कोशिश करते। तो ये ना एक सनबोर्ड है, जो प्लास्टिक और गत्ता मिक्स करके कुछ मटीरियल में होता है। तो इसका शेप ले रहा हूँ मैं अभी, देखो ये अंदर मैंने घुसा दिया है इसमें। तो अभी मैं इसकी शेप ले रहा हूँ, इसको कट करके इसे पेंट करवाऊंगा बाहर पेंटर से, मेहरून कलर का, या मतलब जो होता है वाइन कलर कह लो, या ब्लड रेड कह लो, या मेहरून कह लो, मेहरून तो नहीं, ब्लड रेड या फिर वाइन कलर जो होता है वो सब। तो इसके अंदर फिर मैं वो जो है कट करके पीस लगाऊंगा, तो फिर देखते कि कैसे मतलब इन्हेंस होता है वो, कैसा मतलब बढ़िया लगता है, कैसा लुक हो जाता है देखने में। तो स्टेयरिंग में मैंने क्या कर रखा है, स्टेयरिंग का भी करूँगा मैं, स्टेयरिंग में भी जो है बिजली की टेप से मैंने कर रखा है, तो उसका भी मैं करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं पहले ये कर लेता हूँ, उसके बाद पेंट करवाऊँगा, पेंट करवा के फिर दिखाता हूँ भाई मैं कैसा कैसा लगता है कैसा नहीं। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मैं खुद से ही बाहर से एक लाल कलर का ब्रश वो ले आता हूँ, ब्रश बोल रहा हूँ, स्प्रे ले आता हूँ, स्प्रे कर दूँगा। स्प्रे से फिर ये रहेगा 100-150 रुपये का स्प्रे आएगा, इस पर करके तो वो अपना एक दिख जाएगा और टेम्परेरी वर्क हो जाएगा। उसके बाद कभी फिर दोबारा से प्रॉपर एक परमानेंट वाला काम करेंगे, ऐसे ही क्यों बाहर से खरीदे जब हमें खुद को आता है। तो यार चलो ठीक है, बिना किसी देरी के इसको कट करते हैं, और उसके बाद फिर मार्केट से मैं एक पेंट लाऊंगा, ब्रश वो लाऊंगा, स्प्रे, उसके बाद फिर इस पर करेंगे, फिर देखते हैं कि कैसा लगता है और कैसा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई देखो, ये रहा पीछे का, ये है और ये फ्रंट का है, ठीक है। और ये मैंने पेन वेन ले रखा है, मार्कर ले रखा है, ये मेरी सीजर है टेलर वाली, और ये पतला वाला मार्कर है, और ये सन बोर्ड ले रखा है। घर में हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो भाई देखो, ये मैंने इससे बाहर निकाल लिया, और ये देखो ये कटे हुए पीस पड़ा हुआ एक, और ऐसे करके मैंने सीजर से कट करा, मैंने इसकी ना पूरी शेप ले ली थी पेन से, ये कर लिया मैंने, कट कर लिया। और इसके पीछे देखो ये होता है, ये डबल साइडेड टेप होती है, जो कि एक एम्ब्लेम में लगी है, और इसको मेरे को मतलब ये हटाना है, लाल लाल से हटाऊंगा तो अंदर से मेरा टेप निकल जाएगी। तो अब मैं इस पर अगर ऐसे लगा देता हूँ, एक मिनट, एक तो ना एक हाथ से ना सब कुछ हो नहीं पाता है। देखो मैंने इस पर लगा दिया, अब ये इस पर लग गया है। अब ये करके ऐसे करके ना मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो फाइनली मैंने इसकी भी शेप ले ली, देखो ये वाला ऊपर का हो गया, ये वाला नीचे का हो गया, और ये जो है इधर उधर के हो गए यहाँ के। तो अभी ना मैं कट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर रेड कलर का स्प्रे करके मैं इस पर फिर मैं आपको जो है दिखाऊँगा। गाइस ये देखो, ये सारी कटिंग है, और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, इसमें छेदों के अंदर आ चुका है। अब मेरे को इसे पूरे पार्ट को जो है पेंट करना है। बाकी ये जो मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए, देखो ये रहा, और इसमें भी ये लगे पड़े हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, लगे हुए फिट हो रखे हैं, टाइट कटे हुए हैं थोड़े से। और ये देखो ऐसे करके जब ये लग जाएगा तो ये लाल लाल सा लगेगा, तो मतलब थोड़ा सा इमेजिन करो, सिर्फ अभी के लिए इमेजिन करो, उसके बाद तो आपको जो है दिखना ही है रियलिटी में कि कैसा लगे कैसा नहीं लगे। तो गाइस अभी मैंने बहुत सस्ता जुगाड़ लिया है, मैंने सोचा जब घर में काम करना ही है तो फिर स्प्रे वगैरह ला कर क्यों खर्चा बढ़ाना, वो तो बात की बात है, बीच में बोलते रहते हैं, देख भी रहे हैं यहाँ पर, यूट्यूबर वीडियो बना रहा है। तो ये मैं बिजली की टेप ले आया हूँ, पहले भी मैंने बिजली की टेप से ही काम किया था, तो मैं दोबारा से बिजली की टेप ले आया हूँ, और उसकी मदद से मैं जो है इन्हें रैप करूँगा इन पीसेस को, उसके बाद देख रहा हूँ कि कैसा लुक लगता है और कैसा नहीं। और बाकी मैं इन्हें ना एरा लाइट से चिपकाऊँगा, एरा लाइट का रखिए, पापा एरा लाइट रखी थी ना, वो देना जरा दिखाऊँ, मैं आपको एरा लाइट दिखाता हूँ कि एरा लाइट कैसी होती है। पत्थर बना दी थी भाई, अगर तुम पत्थर से पत्थर को जोड़ोगे ना वो भी जोड़ देगी, दिखाओ। ये देखो भाई, ये होती है एरा लाइट। अगर आपको ऐसा कुछ जुगाड़ ले मतलब लगाना है, कुछ ऐसी चीज चिपकाना है जिससे मतलब यूँ कि निकले ही ना, एरा लाइट लगा लो भाई, एकदम फ्री रहोगे, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आज। तो ये रही टेप, और 10 रुपये की टेप थी, ये भी देने के लिए मेरे पे खुले पैसे नहीं थे, तो मैं ये भी उधार पे लेकर आया हूँ गाइस। इसे मैं खोल लेता हूँ, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम। तो भाई फाइनली देखो, ये मैंने ना टेप से रैप कर दिया, आपको थोड़ी लाइनिंग वगैरह भी दिख रही होगी इसमें। देखो ये एक दो तीन लेयर में ऊपर वाला है, और नीचे वाला भी दो लेयर में शायद आपको दिखे, देखो दिख रहा होगा। तो मैंने ये जो है बिजली के टेप से कवर कर दिया है, ये देखो ये अलग अलग हो गया अभी। तो वहाँ पर जो गाड़ी में मतलब एम्ब्लेम लगा हुआ है, मैं उसी में फ़िट कर दूँगा, तो कुछ ऐसा लग रहा है अभी। ये ना डीप रेड नहीं है, डीप रेड हो जाए ना तो और बढ़िया लगेगा, बहुत मस्त लगेगा। क्या चलो ठीक है, ये अपना ये है कि टेम्परेरी वर्क है और अच्छा लगेगा, क्योंकि JDM लुक ऐसे ही आता है और अच्छा लगता है, और होंडा में ही आता है ये सब चीज़ें।
तो क्या जा रहा है अपना 50-60 रुपये में अगर हमें ऐसा एम्बलेम मिल रहा है। देखो मतलब काम बता रहा हूँ, 10 रुपये का ये हो गया एम्बलेम आपके मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप ऐसा भी अगर आप जो है बहुत अच्छे तरीके से ब्लेड वगैरह चला लेते हो तो ये आप उसमें लगा कर और ब्लेड से कटिंग करके तो आप इसमें जो है ऐसे स्टिक कर सकते हो, वरना आप ऐसे एम्बलेम ले लो, एम्बलेम से फिर आपको शेप मिल जाएगी, शेप मिलने के बाद फिर आप ऐसा काम कर सकते हो, तो आपका बस ये एक्स्ट्रा इसका लग जाएगा। वरना अगर आप सीधा गाड़ी में लगे हुए में कर दोगे तो आपका मैक्स टू मैक्स देखो 10 रुपये की टेप हो गई, और अगर आपको ब्लेड भी खरीदना 10-15 रुपये का ब्लेड हो गया, और तो बस यही है। और तो क्या है, बाकी प्लास्टिक का पीस मिल जाता है, किसी से भी आप ले सकते हो, स्टेशनरी पे मिल जाएगा, सनबोर्ड वगैरह जो भी कार्डबोर्ड तो मिल जाएगा, तो आप उससे काम कर सकते हो। तो मैक्स टू मैक्स आप मान लो 50-60 रुपये का खर्चा है और आपको ये जेडीएम वाली लुक मिल जाएगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ इस वाले को भी, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। गाइस देखो ये वाला तो मैंने कर दिया था जो मैंने आपको दिखाया, और मैंने देखो कैसे बुरी तरीके से मैंने इस पर टेप चिपकाई है, बाकी तो ऐसा कुछ हो रहा है। देखो तो ठीक है, काम चलाओ, काम बन जाएगा, अच्छा लग रहा है, और मैं थोड़ी सी रील्स वगैरह भी बनाता हूँ ना तो उसमें भी काम आएगा बढ़िया। तो गाइस मैं ना गाड़ी तक आ चुका हूँ, और अभी मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे करके लगाई है जिससे कि मैं थोड़ा सा एम्बलेम पीछे काम कर सकूँ, चिपका सकूँ, और मेरी स्कूटी यहीं खड़ी हुई है, बाकी तो आगे का पता नहीं कैसे पता चलेगा कैसे नहीं पता चलेगा। देखो यहाँ पर जो है ना, ये देखो ये जो है ना इसमें छेद है, गड्ढा है, तो इसके ऊपर मेरे को लेयर लगानी पड़ेगी। पता नहीं वो कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा, तो पहले पीछे का चिपका लेता हूँ मैं, जो है पहले जल्दी काम जो होता है वो कर लेते हैं। तो खैर दोबारा मेरे को थोड़ी सी गाड़ी आगे करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी जगह पे काम हो नहीं पाएगा। और ये देखो जैसे मैंने आगे ना तिरपाल लगा रखी है तो इससे क्या रहता है ना, हीटिंग ना थोड़ी सी कम रहती है गाड़ी में, तो इसलिए लगाना चाहिए। तो गाइस आप भी इस चीज़ का इस्तेमाल क्या करो, इतना ठीक है। अरे यार न्यूट्रल हो जा। और देखो ये मैंने होंडा का ये मैंने एडिट करा है, इसमें जब ये स्टार्ट होती है, और देखो इसमें भी मैंने टेप लगा रखी है, देखो जो आपको मैंने दिखाया था। तो भाई ये देखो ये कुछ इस तरीके का नॉर्मल हो रखा है, अब मैं इसे निकालूंगा तो निकलेगा नहीं, तो मैं इसमें ना जो है वो कटे हुए पीस लगा देता हूँ। तो पहले तो मैं इसमें से बाहर निकालता हूँ सारा सामान, ये आ गया। अरे आ जा भाई, ये एरा लाइट। तो मैंने इसमें देखो ये पेस्ट बना लिया है, ये कुछ ऐसा पेस्ट बन जाता है, ये मेरे को मिक्स करना पड़ेगा इसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके मिक्स करना पड़ेगा। दो ट्यूब होती है तो मैं इसे पहले जल्दी कर लेता हूँ वरना ये सूख जाएगा, ऐसे करके ना फिर इसमें मेरे को पेस्ट करना पड़ेगा इसके पीछे की तरफ से, और फिर मैं उसमें स्टिक कर दूँगा ये ऐसे ऐसे मिक्स करके। ये दोनों ट्यूब होती है, मैं इसको चिपका देता हूँ इस पर। तो मैं दिखाता हूँ पहले, देख लो अभी कैसा लग रहा है, और अब देखना फिर अब कैसा लगेगा। तो भाई मैंने ये जो है फिट कर दिया, और अब देखो कि कैसा लुक आ रहा है। ठीक है देखो इतना तो क्लियर बढ़िया नहीं दिखेगा, जब कभी मैं रील बनाऊंगा ना उसके बाद दिखेगा ये थोड़ा सा सही। मैंने इसे चिपका तो दिया है, पता नहीं कितना कामयाब रहेगा और कितना नहीं, पर मैंने चिपका दिया है। तो भाई अभी मेरे को जो है आगे की ग्रिल भी एक बार देखनी कि उसमें कैसे हुआ कैसे नहीं, क्योंकि उसका मुझे एम्बलम निकालना पड़ेगा तोड़ के, तो एक बार वो और चेक कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर इसे अप्लाई करूँगा दूसरे वाले को। बाकी एम्बलम मेरा बच चुका है तो मैं इसे वापस रख देता हूँ, और मच्छर बहुत हो रहे हैं भाई, इतनी सी देर में काट लिया मेरे को बड़ी तगड़े तरीके से। और एरा लाइट के साथ साथ यार अपना ना एक ना वाटर बॉटल कैरी करके चलना, और एक साफ़ कपड़ा लेके चलना, क्योंकि आपके हाथ में वो ना लगेगी, अगर आप साफ तरीके से करोगे तो बात अलग है। मैं तो जल्दीबाजी में करिए तो इसलिए मेरे हाथ में लगी, तो मैंने कपड़े साफ़ कराए, वेट टिश्यू हो या जो भी हो तो उससे हो जाएगा। मच्छरों ने भाई बहुत तगड़े तरीके से काटा है। तो चलो खैर अभी तो मैं आपको कैसे दिखाऊंगा, ये तो हो चुका है फिलहाल, टेम्परेरी काम हुआ है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल को दिक्कत होगी तो निकाल के फिर जेडीएम का ही ऑर्डर कर लेंगे, पर यह है कि हाँ घर वाली बात हो जाती है, काम चलाओ सस्ता जुगाड़ पर अच्छा दिखना चाहिए, और जुगाड़ वाली बात नहीं है यार, जब हमें आता है हमारा काम चल सकता तो हमें चलाना चाहिए ना, हम क्योंकि काम में 3,500-4,000 रुपये फूके किसी चीज़ में, तो वाली बात है। तो खैर चलो ये तो मेरा फिक्स हो गया। तो मैंने ना भाई यहाँ से भी मैंने हटा दिया था, वही मैंने ना खुरच दिया और मैं भूल गया मेरे को वीडियो बनानी थी, पर चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने इसको दोबारा से फिनिशिंग से कट करूँगा, क्योंकि तब भी मैंने ना जल्दीबाजी में कर दिया था, इसको भी मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि अभी ना मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं अंदर आके गाड़ी में एसी ऑन कर लिया था मैंने। तो अब मैं इसको जो है इसको दोबारा से मैं एक बार दोबारा से बढ़िया तरीके से फिनिशिंग के साथ फिर करता हूँ मैं इसको, और गाड़ी को थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ कहीं भिड़ भिड़ जाए। तो भाई देखो ये रहा मेरे पास कटर जो 10-15 रुपये का आता है, और इसमें मैंने अभी कुछ इस तरीके से जो है कर दिया। अब इसको मैं ना नेल से थोड़ा सा शेप दे दूंगा जिससे कि मेरे को पता चलेगा कि मैं अपना जो है ब्लेड मेरे को कहाँ चलाना है।
तो फिर उसके बाद फिर मैं ये कट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है, पूरा करके दिखाता हूँ, ऐसे ना वीडियो लंबी नहीं करूँगा क्योंकि फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो भाई देखो मैंने ना इसे कर दिया फिलहाल, अभी मेरे को ना एक फ़ोन आ गया मेरे दोस्त का, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ये भी जल्दीबाजी में हो गया। पर अब अगली बार मैं करूँगा ना तो मैं इसमें ना शेप बना के ना इसमें मार्किंग करूँगा, उसके बाद फिर मैं उसको बाहर निकाल के फिर मैं इसे कट करूँगा, तभी बात बनेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं बनेगी बढ़िया तरीके से। पर फिर भी ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो स्नैप डालनी है और क्या, स्नैप में बढ़िया लगना चाहिए और तो क्या। बाकी मच्छर ने यार बहुत तगड़े तरीके से काटा है यार, ये देखो देख रहे हो ये इस साइड बहुत तगड़े तरीके से काट लिया साले ने, जहर फैला दिया। तो मैं अब पहले तो क्या नाम है हो जाऊँ एक बार बाहर जाना है मेरे को, उसके बाद आके फिर मैं यहाँ पर काम दोबारा शुरू करूँगा। और ये लाल कलर की टेप ना मैं अपनी नंबर प्लेट पे भी लगाऊंगा तो बहुत अच्छी लगेगी वो भी। तो मैं फिलहाल अभी गाड़ी बंद करता हूँ और अपना निकलता हूँ, मैं गाड़ी भी मैंने पीछे कर दी थी, ठीक है। देख रहे हो कितना डिस्टेंस रहता है वो, पता कैसे पता चलता है, क्योंकि नीचे ना मैंने पत्थर लगा रखे तो उससे मेरे को ना पूरा सही तरीके से पता चल जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, वरना ना बहुत ज़्यादा गैप रहता है मेरे गाड़ी और दीवार के बीच में, तो फिर वो बाहर निकल जाती है गाड़ी, तो फिर ऐसे सही नहीं लगता। तो खैर चलो मैंने सारी चीज़ें तो ले ली और मैंने बाकी गाड़ी में सामान रख दिया था, तो अभी मैं एक बार बाहर से होकर आ जाता हूँ, उसके बाद फिर बचा कुचा काम निपटाएंगे, अगर होता है तो आज कर देंगे वरना कल कर देंगे। तो गाइस अभी ना मैं आया हूँ और मैंने फिर सोचा कि एक बार आगे का ना जो एम्बलेम देख लूँ। अभी देखो इसमें ना स्पेस है, देखो इसमें स्पेस है तो इसमें ना वो लग नहीं पाएगा। और ये अभी मैं अंदर से एक बार चेक कर रहा हूँ, ये मैं अंदर से चेक कर रहा हूँ, एक मिनट ये लगा दूँ मैं बैलिस्टिक स्टैंड, पता नहीं अभी कैसे हो पाएगा कैसे नहीं हो पाएगा। और फिलहाल पीछे का तो मैं कर दिया, पीछे का तो भाई हो चुका है, पीछे का बढ़िया लग रहा है एकदम, आगे का मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं कैसे देखूँ। तो मैंने अभी बाहर निकाल के एक बार गाड़ी चेक करी थी, मैं तो सही लग रहा है पर इतना सही नहीं लग रहा जितना मैं सोच रहा था, थोड़ा सा लाइट लग रहा है। वो जो मैंने RS की बैजिंग लगा रखी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो RS थोड़ा सा डीप लग रहा है, तो ठीक है एक दो दिन चलाऊंगा मैं, उसके बाद फिर मैं इसे निकाल दूंगा। तो यार सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही था, लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक मिल जाए। और ये स्पेशली जो है ना मेरे गाड़ी वाले भाइयों के लिए है, जो गाड़ियों से अपनी गाड़ियों से मोहब्बत करते हैं, अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं, अपना ध्यान से रखते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रखते हैं गाड़ियों को, और स्पेशली होंडा वालों के लिए कि होंडा जिसके पास है होंडा में ये कर सकता है, क्योंकि JDM फिनिश के लिए आपको 3-4 हज़ार रुपये बाहर मार्केट में लगाने पड़ेंगे, तो इसमें आपका एक काम हो सकता है। अगर आप पीछे पीछे का भी एक एम्बलम लोगे ना तो वो भी आपको 1200 रुपये से कम का नहीं मिलेगा, चाहे आप ये चीज़ को मार्केट में जाके पूछ लो, ठीक है। तो आगे का तो नहीं हो पाया, पीछे का हो गया, तो मैं एक काम करूँगा पीछे का दोबारा से, मतलब कभी और मैं वीडियो तो बनाऊँगा नहीं, खैर आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि आप कैसे बना सकते हो, पर मैं इसको थोड़ा सा और डीप करूँगा, इसमें से मैं इसको निकालूँगा, निकाल के इसको मैं दोबारा मतलब डार्क डीप रेड करूँगा इसको, तो जाकर मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी एकदम लाल सा लग रहा है तो वो ज़्यादा इतना बढ़िया लग रहा, तो ये ठीक है काम चलाओ टाइप है फिल्म का। अभी इसमें मैंने पीछे कर दिया तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, काम चलाओ टाइप है, एकदम अच्छा लग रहा है। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले ब्लॉग में, और भाई गंजा सा हो गया हूँ थोड़ा सा, तो हो जाएगा अपना घर की खेती है, ठीक है। सो टिल देन बाय।